हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मेलिशियस प्रोग्राम डाल दें, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए, और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं, सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। आवर डिमांड वॉज दैट बिकॉज द ईवीएम्स हैव अ प्रोग्रामेबल मेमोरी एंड देयरफॉर कैन बी मैनिपुलेटेड, so in order to avoid public apprehension about the integrity of the EVMs, one of the 3 things could be done: either you go back to paper ballots or you give the VVPAT slip in the hands of the voter which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative the black glass of the VVPAT machine should be made transparent or at least the light should be remain on for all the time so that people can see what is happening inside the VVPAT, and also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands but has directed the election commission to examine that if bar codes can be put on the ballot on the VVPAT slips so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit which loads the symbol constituency by constituency should be sealed and kept available for at least 45 days after the election. Thirdly, they have said that every candidate who comes second or third can make a demand for examining the burnt memory of the EVM and a technical expert team of the election commission will have to examine that, but the cost of that will have to be paid by the candidate. With these directions, the court has disposed of these petitions. Clarification as far as practice.